वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम फ्यूचर रिटेल स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो फ्यूचर रिटेल स्टॉक की बात किया तो आज 6.05 यहाँ पे क्लोजिंग देता हुआ ट्रेडिंग कर रहा है फ्यूचर रिटेल स्टॉक, यानी कि नया 52 वीक लो बना चुका है आज के दिन में। जैसे कि फ्राइडे के दिन में देख सकते हो कि 52 वीक लो यानी सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया था 6.40 को, तभी से देख सकते हो कि आज फिर से लोअर सर्किट लग चुका है स्टॉक के अंदर। यानी कि देख सकते हो 6.05 पे ट्रेडिंग कर रहा है, 30 पैसे की गिराउट, 4.72 तकरीबन 5% की गिराउट, 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आ चुका है फ्यूचर रिटेल स्टॉक के लिए। यानी कि जैसे ही ओपन हुआ, ओपन होते ही लोअर सर्किट लग चुका था फ्यूचर रिटेल स्टॉक के लिए 6.05 लेवल पे। मार्केट कैप भी देख सकते हो गिरावट बहुत सी देखने को मिला, 328 करोड़ की मार्केट कैप भी होती हुई नजर आ चुकी है। नया 52 वीक लो आज के दिन में देखने को मिला है। पिछले 5 दिनों की मूवमेंट देखी जाए तो 14% के ज्यादा गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिले है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और वॉल्यूम आज के दिन का देखा जाए तो 4,90,000 का वॉल्यूम टोटल, यानी कि नया 52 वीक लो यहाँ पे देखने को मिला है 25 जुलाई के दिन 6.05 का। यानी कि देख सकते हो कि नया 52 वीक लो ट्रेडेड जो वैल्यू है 29 लाख से ज्यादा है। तो देख सकते हैं कि सिक्योरिटी वाली डिलीवरी पोजीशन अवेलेबल नहीं, फिर भी यहाँ पे बाइंग के लिए एक भी क्वांटिटी नहीं है, सेलिंग के लिए 21 लाख से ज्यादा क्वांटिटी पेंडिंग दिखाई दे रहे। तो देख सकते हो कि तकरीबन चार्ट के ऊपर नजर डालोगे तो जैसे ही 6.40 लेवल हम लोगों ने पहले भी बताई थी, लेवल ब्रेक होते तो नीचे गिरावट होने के चांसेस होंगे। यहाँ पे 6.40 लेवल पे देख सकते हो कैसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अब पहले भी सपोर्ट लिया था, इस मंथ में बहुत बार सपोर्ट भी लिया गया था, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट यहाँ पे देखने को मिली तेजी से। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट फ्यूचर रिटेल स्टॉक के लिए।